दूसरे दिन जो टीवी रिलीज होगी वो यहाँ बैठ के इस प्रोग्राम को बैठा रही है। हमने कोई स्कूल आज विजिट किया है, बीएड की क्लासेस जब यहाँ तक हमारे एसओजी के टाइम स्कूल से सिलसिला मेहरो करम का सिलसिला अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, ये देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। क्योंकि हम खड़े क्यों हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने सोसाइटी में कुछ ना कुछ करना। कोरोना कैसे पड़ा अभी मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया। And more, and this way, your abuse हो, in-laws का abuse हो, वो counseling में दादी, जब तक तुम मुझे मरने नहीं देती, जैसे नहीं बैठोगी, यहाँ क्यों आई हो? बेटा, मुझे एक अपने घर में छोटा सा कोना दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूँगी बेटा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को डेडिकेट है। अभी तक आपने ये प्रोग्राम पूरी अच्छी तरह से सुना। ये मेरे सारे बच्चे हैं कि स्पेशली रूरल एरियाज में इसको सेलिब्रेट किया जाए, यहाँ पे उतनी ज़रूरत तो है नहीं, बट मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटी के लिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप वहाँ करवा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करेंगी और करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप वहाँ करें, यहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग आज देख रहे हैं अपनी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोग देख रहे हैं अपनी बेटियों को आगे जाते हुए, जैसे कि आपने देखा रिजल्ट्स में भी जो 12th की टॉपर थी वो 97 point something थी, तो वो एक लड़की थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ करवाना चाहिए जहाँ ज़रूरत है, यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है। क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे की आज? डिबेट्स की गई, एक लड़की या एक माँ के करेक्टर लड़कियों ने निभाए और दिखाया कि एक माँ क्या करती है अपने बच्चे के लिए। और फिर यहाँ पे जो मैम्स थी हमारी, उन्होंने हमें बताया कि कितनी महत्वता है इस दिन की और ये क्यों मनाया जाता है। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, अच्छा है। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है ऐसे अवेयरनेस करना? बहुत ज़रूरी है, बट इस लेवल पे भी ज़रूरी है, बट उतना नहीं जितना रूरल एरियाज़ में ज़रूरत है। क्योंकि ये जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जैसे कि पहले भी बोला मैंने कि लोग लड़कियों की शादी करवा देते हैं और दहेज देते हैं। अगर आप दहेज दे रहे हो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लड़की को किसी के ऊपर थोप रहे हो। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया। इस वुमेंस डे पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किए। वैसे इनफैक्ट हमने पूरा वुमेंस वीक मनाया था जो कि 2 अगस्त से शुरू हुआ और 8 अगस्त को कंप्लीट होगा। आज का उसी सिलसिले में ये एक प्रोग्राम था जिसमें वुमेंस राइट्स पे, वुमेंस इश्यूज़ पे रोशनी डाली और हमने जो वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए जो भी अचीवमेंट्स हुई हैं, पर्टिकुलरली इस साल में बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी इस पे आई है जो कि वुमेंस को आर्म फोर्सेस में भी प्रमोशन का उनको स्कोप मिला है, और बहुत सारी लेजिस्लेशंस जो पंचायत में उनको रिजर्वेशन मिली वुमेंस को, इसके बारे में भी जानकारी दी। और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में वुमेंस की एम्पावरमेंट के लिए कुछ सेंटर्स भी कायम किए हैं, महिला शक्ति केंद्र कायम किया और वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेंस कायम किया है, हेल्पलाइन इस्टेब्लिश किया हुआ है। और उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से स्कीम जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में रवा दवा है, ये सारी स्कीमें जो हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किए हुए हैं।